हेलो पब्लिक, आई एम जैसन। वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू एन अनदर मिनी काइंड ऑफ व्लॉग, जो कि एक अपडेट वाला। आई रियली वांट टू इन्फॉर्म यू गाइस कि मैं फ्रॉम लास्ट 10 डेज वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ अच्छी तरीके से, क्योंकि डेली व्लॉग्स मैं रोज़ अपलोड करती थी, बट अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे गुजरात आई हूँ एंड 10 दिन से मेरा कैमरा सब कुछ सामान सब कुछ मुंबई में है। तो इन मे आई एम प्लानिंग कि मैं यहीं पर शिफ्ट हो जाऊँ, सो दैट सब कुछ ना से कंटिन्यूट में चलता रहे। आधा सामान उधर, आधा सामान या तो मेरे फैशन ब्लॉग, सब कुछ मतलब साइड में हो गया, इंस्टा पे से हॉल्ट पे चला गया। सो आई नीड टू रेज्यूम एज सुन एज पॉसिबल। एंड लाइफ का एक अपडेट है कि मैंने 10 दिन यहाँ पे बैठ के क्या किया। तो बेसिकली आई वॉज अप्लाइंग, ट्राइंग फॉर जॉब्स, अप्लाई किया, इंटरव्यूज दिए एंड कुछ कितनी जगह मैंने दे दिए, कम से कम 7-8 जगह पे। तो मैंने स्कूल में ट्राई किया इन एजुकेशनल सेक्टर इन टीचिंग फील्ड फॉर द सब्जेक्ट मैथ्स एंड साइंस सेकेंडरी 8th 9th 10th। तो दे वाले कि हाँ हम डेमो के लिए बुलाएंगे बुलाएंगे लास्ट वीक में। तो मैं उसी के लिए पूरा वीक यहीं पे रुकी दी लास्ट वीक ऑफ अप्रैल की बुलाएंगे करके, बट उन्होंने कॉल भी नहीं किया, बुलाया भी नहीं। इट्स एन अपसेट वाली स्टोरी मेरी। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की थी, बट लेट मी शो यू। तो ये मेरे सारे नोट्स जो मैंने प्रिपेयर किए थे कहाँ गए, अलग अलग सेक्शंस, बुक, और कहाँ है भाई। थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके अच्छे से मैंने स्टडी भी किया, बट ये स्ट्रगल इज लिव इट। कुछ चीज़ों में शायद ना लक नहीं होता, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि गॉड ने आपके लिए कुछ अच्छा खासा सोच के रखा होता है, तो फिर आपकी लाइफ उसी डायरेक्शन में टर्न ऑन लेती है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो होनी ही होती है आपके साथ नसीब में। बट ठीक है, तो मेरा एजुकेशनल सेक्टर में नसीब नहीं है, प्योरली नहीं है। इतना बढ़िया इंटरव्यू जाने के बाद भी इवन दो दे टोल्ड मी कि आपको हम बुलाएंगे इतने कॉन्फिडेंस के साथ, बट स्टिल ठीक है, नसीब नहीं है। बट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए मुझे बुरा लगा, जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, नॉट इवन अ 1 सेकेंड। एंड ठीक है, चलो भाई हम जो करते आए वही करेंगे अभी तो, और क्या करेंगे। माई सोशल वर्क इज़ देयर एंड आई जस्ट कीप ट्राइंग इन अदर सेक्टर्स टू फॉर जॉब, बट इतनी मेहनत तो की थी मैंने, ये सब कुछ। तो एवरी टाइम इट्स नॉट लाइक दैट कि आप जो फोटो देखते हो या कभी कभी कुछ कुछ शॉर्ट वीडियो देख लेते हो तो एज्यूम कर लेते हो कि भाई क्या मस्त है लाइफ इनकी, बट ऐसा नहीं होता। मैं भी स्ट्रगल कर रही हूँ। तो इंस्टा पे हम जो पोस्ट डालते हैं इज़ जस्ट अ पिक्चर, बट उसके पीछे की जो एक्चुअल स्टोरी होती है इट्स अ वे बिग स्टोरी, एंड वो बहुत बड़ा लंबा स्ट्रगल होता है, तभी वो एक पिक्चर होती है ऐसी, जस्ट अ ग्लिम्स। बट आप ऐसे ना जज नहीं कर सकते भाई इसकी लाइफ कितनी अच्छी होगी, मतलब ईजी होगा, भाई ये पैसे वाले लोग हैं, इतने कपड़े कहाँ से लाते हैं ये लोग, इज दैट वो, बट नॉट लाइक दैट। तो आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग एंड मैं भी एक कॉमन इंसान ही हूँ आप सब की तरह। तो मैं क्या और क्या ही अपडेट दूँ, कैलेंडर भी मतलब देखती रहती हूँ मैं कि भाई वीडियो नहीं डाला, एंड आई डू गेट वरीड कि आई रियली नीड टू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी ऑन माई चैनल एंड मेरी लाइफ में क्या चल रहा है मैं आप सबके साथ शेयर करूँ, बिकॉज यू आर माई फैमिली, राइट, मेरी इंस्टा फैमिली, माई यूट्यूब फैमिली। एंड कभी कभी ऐसे इंस्टा पे मैसेज भी आ जाते हैं मुझे कि भाई कहाँ हो, नहीं आया, कब आएगा ये व्लॉग्स, एंड ना इतने पैसे कहाँ से आते हैं आपके पास, नहीं आते। इट्स जस्ट अ छोटी मोटी सेविंग, मतलब आप सोच सकते हो कि 5000 पॉकेट मनी में पूरा महीना निकालना, हाउ डू आई मैनेज, एंड ये सोशल वर्क के साथ एज्यूम कर लो तो कितनी टफ होगी। तो मैं आज शाम को निकल रही हूँ मुंबई के लिए एंड आई विल मेक श्योर कि सारा सामान मैं लेके आऊँ, क्योंकि वेडिंग आने वाली है, सो आई एम प्लानिंग फॉर वेडिंग व्लॉग्स दिस दैट। तो उसमें आपको अच्छा खासा ना आउटफिट देखने को मिलेगा, मेकअप एवरीथिंग धमाल वरमाल। एंड इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरी टाइम कि मैं मतलब वो एक फुल ऑन एंटरटेन वाला व्लॉग लेके आऊँ, क्योंकि लाइफ कभी कभी सटल भी होती है, सो इतना ताम झाम धमाका हर दिन ना पॉसिबल नहीं होता। तो जो बेसिक लाइफ चल रही है मेरी, तो मैं आपको मैं वही दिखाऊंगी दी फैक्ट थिंग,
कोई ऐसा झूठ मूठ कुछ भी नहीं। सो राइट नाउ लियो इज स्लीपिंग बाहर, मेरी कैट्स तो माई गुडनेस ऐशो आराम से सो रही है। सबको दूध पिलाती हूँ मैं रेगुलरली, सुबह शाम दोनों टाइम अभी तो। एंड डॉग को, एक को खांसी हुई है तो उसको हल्दी वाला दूध मैंने स्टार्ट किया है 2 दिन से। वेट दिस ऑरेंज सोए पड़े बू बू एम कैमरे के साथ काफ़ी अप डाउन मैंने किया। सो आई थॉट कि मैं काम से जा रही हूँ, जॉब अप्लाई करने के लिए जा रही हूँ, तो फिर उस पर ही पूरा फोकस करूँ। एंड दिस वॉज द मेन रीज़न वाई आई वॉज वेट श्योर श्योर आई वॉज एंड अवेलेबल फॉर लास्ट 10 डेज। एंड इसके वजह से मेरा एडिटिंग काम, शूट काम, सब कुछ साइड में रह गया। तो लेट्स रेज्यूम, तो सी माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे फिट्स टू हेल्प, बाय। एंड आई मिस यू गाइस अ लॉट।